नासदासि नो सदासि तदानीं नासि द्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था करें स्वामी संकट द्वार खटखटा रहा है इसीलिए मुझे आना पड़ा है। ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी जिसने तुम्हें अपनी कविता बनिता से विरक्त कर दिया तुम जैसे अनुरागी को यह शोभा नहीं देता। हुकुम आप यहां गोरी पर अनुरक्त हैं और वहां शहाबुद्दीन गोरी महाराज के राज्य पर अनुरक्त है वो सेनाएं सजाकर दिल्ली के लिए चल पड़ा है 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़ों की विशाल सेना। महाराज हमारे सामंतगण घबराकर दिल्ली छोड़कर भाग रहे हैं। हुकुम कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही तीर रह जाए। हमें पहले क्यों नहीं सूचित किया गया 6 मास से किसी को भेंट करने की अनुमति नहीं मिली हमार कमल कोष का बंदी बनकर रह गया है गंध पुष्प में सिमट कर रह गई है। महाराज सांझ के सूरज ने दिनमणि को त्यागने से इनकार कर दिया चांद अपनी चांदनी में डूब गया है। अन्नदाता मन मारकर दहलीज से संबंध माथा छुलाकर लौट गए। स्वामी क्या देवता भक्तों का नहीं होता क्या वो सिर्फ पुजारी का होता है। घबराओ नहीं चंद सावंतों को जाकर सूचित करो कि हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा हुकुम। द
प्रिय, हम डंके पर पड़ी चोट और तुरही का नाद सुन रहे हैं, हमें विदा दो। महाराज, जिसे आपने तीन तीन बार हराकर भगा दिया, उस गौरी के आक्रमण की आज चिंता क्यों? छींटी को कुचलने के लिए हाथी को बुलावा क्यों? महाराज, सारी धरा अर्धंग तुम्हारी, सूरज है रज श्री चरणों की, सारी धरा अर्धंग तुम्हारी, सूरज है रज श्री चरणों की, मैं ही धरा अर्धंग तुम्हारी, सूरज मूरज भी चरणों की, तुम हो सरोवर में जल लहरी, वल्लरी तरु की मैंने ये माना, पी जो नहीं पर छाई गौरी दिल्ली के द्वार पर खड़ा है, अन्नदाता अब तो रणभूमि की ओर कूच करें। क्षमा करो चंद, हम राजा का धर्म भूल गए थे। अच्छा बताओ, कौन कौन राजा हमारे साथ है? कोई भी नहीं महाराज। क्या? जयचंद के भय के कारण कोई भी राजा आपका पक्ष लेने को तैयार नहीं है। हम पहले भी गौरी को अपने बलबूते पर हरा चुके हैं चंद, और इस बार भी हराएंगे। हुकुम, लेकिन हमारे समस्त कुशल योद्धा सामंत महारानी संयोगिता को यहां लाते समय वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो क्या हुआ चंद, इस बार भी विजय हमारी ही होगी। अच्छा प्रिय, आओ चंद। भीड़े भीड़े कटे कटे सटे, हटे हटे सटे, गिरे उठे उठे गिरे, भीड़े 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 कटे कटे सटे, हटे सटे, गिरे उठे उठे गिरे, गिरे उठे उठे गिरे, गिरे उठे उठे गिरे। जीतता वो हारता, हारता वो जीतता, पृथ्वीराज गिर गया, शाहबुद्दीन तिर गया, ललाट पर लिखा हुआ लेख सत्य हो गया, सूर्य अस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया। पृथ्वीराज बंदी बना, पृथ्वीराज बंदी बना, जीत गया दुर्जन क्षत्रिय, अब तुम कभी करो न शस्त्र ग्रहण, क्षत्रिय अब तुम कभी करो न शस्त्र ग्रहण। तूने बहुत उछल कूद की, बहुत उठापटक की पृथ्वीराज, लेकिन फतह हमारी हुई। बोल, हम तुझे क्या सजा दें? सजा? सजा तो हमें हमारा देव दे रहा है शहाबुद्दीन। अरे तू हमें क्या सजा देगा? सजा तो हम ही देंगे पृथ्वीराज, और ऐसी सजा कि कोई हमारे खिलाफ तलवार उठाने की हिमाकत न कर सके। बोल, हम तेरे साथ क्या करें? वही कर शहाबुद्दीन गौरी जो हमने तेरे साथ किया था। यानी हम तुझे बेधाक छोड़ दें?
नहीं, हम सांप को दूध नहीं पिलाते पृथ्वीराज, उसे कुचलकर खत्म कर देते हैं। शाहबुद्दीन याद रख, हम भी ये कर सकते थे। हाँ, हम ये कर सकते थे। तू जंग का कायदा नहीं जानता पृथ्वीराज। जो तुझ जैसी नादानी कर बैठता है ना, वो अपनी जिंदगी से हाथों बैठता है। वजीर फिरोज खान, इस कमबख्त की तमाम दौलत लूट ली जाए, इसकी फौज को नेस्त नाबूद कर दिया जाए और इसे गजनी ले जाकर पिंजरे में बंद करके सड़क पर खड़ा कर दिया जाए ताकि हमारी रियाया इसका तमाशा देख सके। गजनी की प्रजा ये देखकर बहुत खुश होगी कि उनका सुल्तान एक वहशी दरिंदा है, इंसान नहीं है। हंस रहा है शैतान, इस बद अखलाक की आंखें फोड़ दी जाएं ताकि ये बच निकलने का ख्याल तक न कर सके। चंद्र चला गजनी की तरफ, सुमिरन कर नृपबैन। चंद्र चला गजनी की तरफ, सुमिरन कर नृपबैन। हे धराबंध, हे अजानुबा, दुर्जन तुण के हे अग्निदा, चालुक्य राय के गर्भदमन, कन्नौज राज्य यज्ञ भंजन, तुम धनुर्धारी सांभर नरेश, अरि भागा करके नारीवेश, तुम दिल्ली पति सोमेश पुत्र, आई विपदा तुम पर विचित्र। इक्षर से हम घड़ियाल साथ, बेधेंगे सबको साथ साथ। उस वचन पूर्ति का पल आया, हुक्म मैं इसीलिए गजनी आया। चंद, मेरे मित्र कहां हो तुम? एक बार गले लगकर मुझे रो लेने दो। हुकुम, गोरी ने मुझे सौभाग्य से वंचित रखा है। उसका आदेश है कि मैं 10 हाथ दूर रहकर ही मिलूं। चंद, क्या से क्या हो गया? रति प्रसंग में डूब कर भूल गया मैं युद्ध। विधना ने ही दंड दे किया यहां पर बद्ध। दिया मुझे था भाग्य ने पहले ही संकेत, मैं था अंधा हो गया, आया मुझे न चेत। सुख वैभव के भोग में भूला अपना धर्म, मेरा अपना कर्म ही बेद रहा है मर्म। जब सब कुछ है लुट गया, कुछ भी है ना शेष। सूरज होता अस्त पर रहे उजाला शेष। हुकुम, मैं गोरी से मिलकर आया, तेरी महिमा गाकर आया। नयनहीन हो या बलहीन, फिर भी राजा धनुर्प्रवीण। अब ऐसा कुछ कर दिखला दे, पाजा मुक्ति मुझे दिलवा दे। मुक्ति का भूल जाओ चंद, सड़ रहा है नरक में ये अंध। नहीं अन्नदाता, नरक बनता स्वर्ग है उनके लिए, प्राण को जो है हथेली पर लिए। लुट गया सब शेष एक वरदान, है रखा तू नीर में तेरे अभी भी बान। हे सांभर नरेश, अब ऋषिना, अब तो तू केवल धनुष साज। मैं कहता हूं दोस्ती के हित, मेरे मन में है एक काज। जो वचन दिया तूने मुझको, अब भी कर उसको पूरा तू। वो पुण्य जो केवल तेरा है, ले दोनों हाथों भर भर तू। चंद, मैं तो लोचनहीन रे, तू करता है चूक। कैसे मारूं काक को, मैं तो बंधा उलूक। मन हारे तू हार है,
मन जीते तो जीत, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, सुन रहे मेरे मीत। हुकुम 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 हुकुम। चंद, तुमने कहा था कि तुम्हारा ये दोस्त एक ही तीर में सात घड़ियालों में सुराख कर सकता है। जी हुजूर। चंद, क्या तुम्हारा ये अंधा दोस्त वाकई ये करिश्मा कर दिखा सकता है? हाथ कंगन को आरसी क्या हुजूर? चंद, अगर ये एक ही तीर में सात घड़ियालों में सुराख नहीं कर सकता है तो इसका नतीजा जानते हो? हमारा वक्त बर्बाद करने के जुर्म में हम तुम्हारे इस दोस्त का सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसा मौका ही नहीं आने पाएगा हुजूर, आप देखें तो। शब्द सुना गोरी का राजन, कौन दिशा में है सिंहासन? हाँ चंद, एक धनुष दो और दो बाण मुझे दो। एक बाण राजन, एक बाण चौहान राम ने रावण बेधा, एक बाण चौहान पार्थ ने करण को छेदा, एक बाण चौहान त्रिपुर शंकर ने मारा, एक बाण चौहान भ्रमर लक्ष्मण से हारा, एक बाण सांभर धनी वीर पुरुष को भला, पाते ही संकेत तू राजा तीर चला। हुजूर, मेरे दोस्त की बीड़ियां खोल दी जाएं और उसे धनुष पान थमाया जाए। बीड़ियां खोल दी जाएं। हुजूर, मेरा दोस्त तब बाण चलाएगा जब आप तीन बार हुक्म देंगे। पृथ्वीराज तैयार हो जा। हे पृथ्वीराज, कमान बाण दृढ़ मुट्ठी ग्रहण कर, छोड़ निराशा, आत्मशक्ति भर और ध्यान कर। जो कुछ तूने कहा मुझे उसको पूरा कर, मत चुके चौहान प्राणांजलि में लेकर, कर दे तू निःशब्द शब्द को शब्द बेद कर। पृथ्वीराज, कमान पर तीर सजा है, अंतिम अवसर यही, सुन देकर तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर, मत चुके चौहान। चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है, मत चुके चौहान। आज तीर चला। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, क्या हुआ सुल्तान? पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो उन्हें। हुकुम चंद, क्षमा क्षमा हुकुम। गोरी तो पहले गया, गोरी तो पहले गया, गए चंद चौहान, प्राण गए तो क्या हुआ, बची वीर की आन। तिनके से तिनका जुड़ा, तिनके से तिनका जुड़ा, मिली ज्योति से ज्योतिया, मिली ज्योति से ज्योति।
पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो भई नो रस की। उत्तर भारत के सामंती वर्ग के लिए तुर्की हमले एक प्रलय बनकर आए। अपने दुख और जिल्लत को कविता के माध्यम से मिटाकर ही वो अपना गम गलत कर पाए। वीर गाथाओं में हालात को बहुत दुखद बनाकर पेश नहीं किया जा सकता था। जैसे कि पृथ्वीराज रासो में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज ने अपनी पराजय का बदला लिया और एक शानदार मौत मरे, जबकि असलियत ये थी कि उन्हें मैदान जंग में हराकर मारा गया। पृथ्वीराज को हराने वाले शहाबुद्दीन के बाद दिल्ली में गुलाम वंश के बादशाहों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहला गुलाम बादशाह कुतुबुद्दीन हुआ, जिसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। गुलाम बादशाह बड़े खूंखार थे और इमारतों कुतुब खानों को बर्बाद करने और ज्यादा से ज्यादा इलाका हासिल करने में यकीन करते थे। ये बादशाह हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक कोई मजहब के आधार पर नहीं कर रहे थे, बल्कि एक विजेता की तरह, जो हारी हुई कौम का हौसला पस्त कर देना चाहता है। गुलाम बादशाह तामीर के बड़े शौकीन थे और अपनी इमारतें मंदिर वगैरह तोड़ तार के बना लेते थे। उनके राजमिस्त्री ज्यादातर हिंदुस्तानी ही होते थे, लेकिन उन पर मुसलमानों के लाए तरीकों और तकनीक का भी असर हुआ। गुलाम बादशाहों का सिलसिला 1290 ईस्वी में खत्म हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। दूसरों की तरह अलाउद्दीन भी तासवी था, लेकिन लगता है कि इन हिंदुस्तानी मध्य एशियाई बादशाहों के नजरिए अब बदल रहे थे। वो अब हिंदुस्तान को अपना वतन समझने लगे, यहां वो अजनबी नहीं थे। अलाउद्दीन की शादी एक हिंदू औरत से हुई थी और उनके लड़के ने भी वैसा ही किया। मालूम होता है अलाउद्दीन के राज में कुशल शासन व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। बस यही रुकना है। माणिक, तुमने खदेड़ने वालों को ताकीद कर दिया था? जी सुल्तान, मैंने खुद उनके सरदार को यह खबर कर दी थी। ठीक है, ये घोड़े बांधो। वो रहा। सामने से सर कलम कर दूंगा इनका। नहीं हुजूर, आपके चचा तो मर गए हैं, अब सर काटने से कोई फायदा नहीं। इन्होंने मेरे दादा सुल्तान जलालुद्दीन के सर को नेजे की नोक पे रख के घुमाया था, मैं भी इनके सर की नुमाइश निकलवाऊंगा। नहीं हुजूर, लाश का सर कलम कर देने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि आप इजाजत दें और हम इन्हें सालिम दफनाएं। अब तुम इन्हें दफनाओ या चील कौवों को खिलाओ, मुझे तो सिर्फ इनकी मौत से मतलब था। माफ करें, आपको तभी अंदर जाने दिया जाएगा जब आप सुल्तान अलाउद्दीन का कटा हुआ सिर दिखाएं। अब हम सुल्तान हैं, हमने खुद उन्हें अपने हाथों से मारा है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? उसे हमारा सर बतौर सबूत चाहिए, क्योंकि उसने हमारा सर अपनी सही जगह पर देखा है। अब और नादानी की जरूरत नहीं है। ये सर जिसे कभी मैं गोद में रखकर प्यार से पुचकारता था,
अब उसे काटने का हुक्म देना पड़ेगा। लेना सिंह, यह सिलसिलेवार तीसरी बगावत है। अमीरों की इन साजिशों से मैं तंग आ चुका हूं। जो भी साजिश में शामिल था, एक एक को गिरफ्तार करो और उसे सूली पर लटका दो। उनके तमाम रिश्तेदारों के घर बार छीन लो, तभी इन्हें एहसास होगा कि बगावत का क्या अंजाम होता है। हमें इस बात का पूरी तरह एहसास रहा है कि बगावतों से आप किस कदर परेशान हैं, बल्कि हमने इस पर काफी संजीदगी से गौर भी किया। सुल्तान की खिदमत में हम इस मसले के कुछ हल पेश करना चाहते हैं, मगर अफसोस के इनसे अपने ही लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि ये उनके खिलाफ हैं। जो भी हो, हम सब आज फिर आपके और सल्तनत के साथ अपनी वफादारी के अहद को दोहराते हैं। मलिक रहीमुद्दीन ही हमारी नुमाइंदगी करेंगे। हुजूर, हमारी नजर में बगावत की चार वजहें हैं। पहली तो ये कि हुजूर को लोगों के अच्छे बुरे मामलात की जानकारी ना होना। दूसरी वजह शराब। लोग अपने घरों में शराब की दावतें करते हैं और फिर मिलकर खिचड़ियां पकाते हैं, मंसूबे बांधते हैं। तीसरी है मलिकों और अमीरों के बीच में रिश्तेदारी और लगाव, और इस वजह से वो हर किसी के घर में हमेशा जाते रहते हैं, और इसलिए जब कभी भी किसी को सजा मिलती है तो उसके साथ हमदर्दी और खून के रिश्ते का इजहार करने 100 लोग खड़े होते हैं। और हुजूर, चौथी वजह है दौलत। अगर लोगों के पास पैसा ना हो तो वो बगावत का ख्याल छोड़ खुद को रोजी रोटी की फिक्र में लगाएंगे। तुमने इन सब बातों पर अच्छी तरह से गौर कर लिया है? हाँ सुल्तान, यही सब मुसीबतों की जड़ है। ठीक है, पहले हमें इन्हें ही दूर करना चाहिए। शराफ काई, आप हाकिम मालगुजारी हैं, हम आपके महकमे से ही शुरू करते हैं। अमीरों के सारे गांव जब्त कर लिए जाएं जो सरकार की तरफ से उन्हें इनाम या वक्फ में दिए गए हैं, और अमीरों को इस बात का यकीन दिलाइए कि उनसे ऐसा कुछ वापस नहीं लिया जा रहा है जिस पर सल्तनत का हक ना रहा हो। दूसरी बात यह कि मैं चाहता हूं आप जासूसों का एक मजबूत जाल फैलाएं। कहां क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, और ये सब का इंतजाम इस तरह से होना चाहिए कि अमीरों को ख्वाब में भी खौफ रहे कि अगर वो मेरे खिलाफ कुछ कहेंगे तो इसकी खबर मुझे मिल जाएगी। शराब पर सख्त पाबंदी लगा दी जाए, जो भी नशे में पाया जाए उसे सख्त सजा दी जाए, शराब की दावतें बंद। मेरी इजाजत के बिना अमीर मजलिस, बैठक या मेल मुलाकात नहीं कर सकते। निकाह के जरिए रिश्ते कायम करने के लिए भी उन्हें मेरी मंजूरी लेनी होगी। मैं बगावत की बू को अब पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूं। जी हुजूर, अंदर से मजबूत होने के बाद ही हम मंगोलों के बार बार हो रहे हमले से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। लड़ाई के वक्त सिपाही इकट्ठे करके फौज बनाने से अब काम नहीं चलेगा। हमें मुस्तैद फौज चाहिए जिसमें अच्छे हथियार और फुर्तीले घोड़ों के साथ वो फौज हर वक्त तैयार रहे। सिपाहियों को अच्छी तनख्वाह दो ताकि वो हमेशा दिल्ली में बने रहें। इसमें खर्च बहुत आएगा हुजूर। मुस्तैद फौज का ख्याल तभी मुमकिन है कि हम फौज को तनख्वाहें कम दें, मगर कम तनख्वाह देकर हम उन्हें अपने साथ हमेशा नहीं रख सकते। इसलिए अपना घर बार चलाने के लिए उन्हें गांव जाकर खेती बाड़ी करनी उनकी अपनी मजबूरी है। मुस्तैद फौज खड़ी की जा सकती है, मगर तब जब हम कम कीमत पर अपने सिपाहियों को अनाज, कपड़े और जरूरतों की चीजें मुहैया कराएं। इसके अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आता। आजकल बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं। अकाल पड़े तो लोग भूखे मर जाते हैं, अच्छी बरसात हो तो भी कीमतें कम नहीं होती। ऐसा क्यों? अगर पैदावार ज्यादा हो तो कीमतें गिरनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। जब फसल ज्यादा होती है तो दुकानदार कम कीमत लेकर उसे खरीद लेते हैं और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। सुल्तान, हमें हर चीज की कीमत तय कर देनी चाहिए और इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि दुकानदार उसकी कद्र करे। ठीक है, मगर इसके लिए बाकायदा सिलसिला होना जरूरी है। किसान तय की हुई कीमत पर बाजारों में अनाज बेचेगा, शहर में लोग उसे लेकर जाएंगे और तय की हुई कीमत पर दुकानदारों को थोक में बेचेंगे, फिर दुकानदार उसे वाजिब कीमत पर बेचेगा। हर दर पर लोगों को वाजिब मुनाफा होना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके।
जरा सोचिए इसमें कितनी दुश्वारियां होंगी। अगर हम पैदावार पर उठाए खर्चों को पैमाना माने तो हर दर पर वाजिब कीमत तय कर सकते हैं। मगर कैसे? हम हिसाब लगाएंगे कि किसी खास चीज को पैदा करने में कितनी लागत आती है, उसकी मजदूरी और उन तमाम खर्चों को भी शामिल किया जाएगा जो उस चीज को बनाने या पैदा करने में किए जाते हैं, और फिर एक जायज मुनाफा जोड़कर कीमत तय की जा सकती है। हुजूर, दखल अंदाजी माफ, लेकिन पूरी तरह मंडी के सहारे रहना भी ठीक ना होगा, इसलिए आप सरकारी गोदाम बनाएं, उसमें अनाज जमा करें ताकि अकाल या नई मुसीबत आने पर रसद की कमी को पूरा किया जा सके। इससे बाजार में अनाज की कमी भी ना होगी और कीमतें भी ना बढ़ने पाएंगी। मुझे ये सारी तजवीजें मंजूर हैं। बिना किसी तरह की दहशत फैलाए हमें फौरन इन्हें अमल में लाना चाहिए, और इस कानून के खिलाफ जाने वाले के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मलिक काबुल, आप बाजार के आला हाकिम होंगे, अगर कोई सौदागर कीमत में जरा भी हेरफेर करता है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, और जुर्म करने वाले को सख्त सजा देना आपका हक होगा। इस बीच हिंदू इस्लाम कबूल करने लगे, लेकिन मजहब बदलने का सिलसिला तेज नहीं था। कुछ लोगों ने अपना धर्म इसलिए बदला कि इस्लाम उन्हें अच्छा लगा, कुछ ने खौफ की वजह से, और कुछ इसलिए मुसलमान हो गए कि विजयी पक्ष के साथ रहने में फायदा होता है। लेकिन असल वजह आर्थिक थी। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें एक खास टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कहा जाता था। जजिया की अदायगी गरीबों के लिए बहुत बड़ा बोझ था। इससे बचने के लिए बहुत से हिंदू मुसलमान हो गए। सुल्तान, जान हथेली पर रखकर मैं अपने लोगों की नुमाइंदगी की इजाजत चाहता हूं। कहिए क्या बात है? हुजूर, मैं आपसे उन सजाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपने बाजार में गड़बड़ी करने वाले सौदागरों के लिए तय कर रखी हैं। सरकार, आपके कारिंदे सौदागरों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आते हैं। कभी उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है, कभी उनके जिस्म का गोश्त अलग कर लिया जाता है, और कभी कभी तो उनके समूचे खानदान को खत्म कर दिया जाता है। ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। किसकी शिकायत है ये? बताओ, क्या सलूक किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? सुल्तान, उन्होंने कहा कि मैं खरीदारों को कम सौदा देता हूं, तो उनमें गड़बड़ी का इल्जाम है मुझ पर। हुजूर, उन्होंने मेरे कूलों से इतना गोश्त निकाल लिया है जितना उनके हिसाब से मैंने कम तोला था। अब तो मैं चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। मेरा सारा कारोबार ठप हो गया है हुजूर, मेरे घर बार तबाह हो गया। काजी मुगिसुद्दीन, मुझे कभी इस बात से मतलब नहीं रहा है कि इस मामले या उस मामले के मुतालिक शरीयत की क्या राय है। मेरे दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं, मैं उन पर आपसे मशवरा करना चाहता हूं। हुजूर, शरीयत के बारे में बात न की जाए यही बेहतर होगा, क्योंकि झूठ मैं कह नहीं सकूंगा और सच कहने पर सुल्तान का गुस्सा भड़केगा और मेरी जान पर बनाएगा। आप जो कहना चाहते हैं बेखौफ कहें। मैं सारे अमीरों से इसलिए खिराज मांगता हूं क्योंकि वो किसानों से मनमाना महसूल लेते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं, मगर हमारे महकमाए महसूल में एक जित्तल तक नहीं देते। बदतमीजी से पेश आते हैं, हुक्मदूली करते हैं। यह कार्रवाई मैंने उन्हें राह पर लाने के लिए की है, मगर आपका कहना है कि यह शरीयत के मुताबिक है? खैर छोड़िए, मेरा एक सवाल यह है कि शरीयत में उन लोगों के लिए क्या सजा तय की गई है जो गबन करें या रिश्वतखोरी के जुर्म में पकड़े जाएं? सुल्तान, इसका जिक्र तो नहीं है। अलबत्ता महसूल का कोई अहलकार अगर खजाने में कम जमा करता है या किसी दूसरे किस्म की हुक्मदूली करता है तो हुक्मरानों से जुर्माना भरने या कैद बामशक्कत की सजा दे सकता है, लेकिन खजाने में की गई हेरा फेरी के लिए हाथ काटने की सजा की इजाजत नहीं है। सुल्तान,
मगर मैंने तो हुक्म दिया है कि अगर कोई अहलकार गबन करे तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ऐसा करने से गबन के मामलों में बेहद कमी हुई है। भाई मैं उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक माकूल तनख्वाह देता हूं, उसके बावजूद अगर वो बेईमानी करते हैं तो मुझे उन्हें सख्त सजा देनी पड़ती है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब मैं मलिक था तो पड़ोसी रियासतों पर दावा करके मैंने दौलत जमा की है, उस पर मेरा हक है या वो भी आवाम की दौलत कहलाएगी? सुल्तान, छापों में हासिल की गई दौलत लश्करे इस्लाम की बदौलत हासिल हुई है, इसलिए वो आवाम की मिल्कियत है। काजी मुगीसुद्दीन, तुम अपना सर कलम करवाना चाहते हो? मैंने अपनी और अपने सिपाहियों की जानों पर खेलकर उन लोगों से जिनका दिल्ली में कोई नाम तक नहीं जानता वो दौलत इकट्ठी की है, और आप कह रहे हो कि वो आवाम की मिल्कियत है? आपने शरीयत के बाबत सवाल उठाया था और मैंने वाजिब जवाब दिया। ठीक है, खजाने में मेरा और मेरी औलाद का क्या हक है? लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अगर मैं सच कहूंगा तो आपकी तलवार। मैंने कहा ना बेखौफ कहिए। क्या अर्ज करूं सुल्तान, अगर आप खलीफे राशिदीन की बताई हुई राह पर चलते हैं तो आपको खजाने से अपने लिए भी उतनी ही रकम लेनी चाहिए जितनी आप एक मामूली सिपाही को देते हैं, यानी 234%। अगर आप बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं, यानी खुद को सिपाही से ऊंचा समझते हैं, तो आपको अपने मलिकों के बराबर रकम लेनी चाहिए, और अगर आप अपने सियासतदानों की हिदायतों पर चलते हैं तब तो अपनी शान शौकत कायम रखने के लिए खजाने से सल्तनत में हर किसी से ज्यादा रकम लेने का हक है। लेकिन सुल्तान, रोज कयामत आप उस पाक परवरदिगार को क्या जवाब देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि करोड़ों की दौलत तूने औरतों पर क्यों उड़ा दी? काजी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि हरम पे खर्च करना इस्लामी कानून के खिलाफ है? तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? सुल्तान, मेरी जिंदगी तो वैसे भी खत्म हो चली है। हाँ, अगर आप सियासी नजरिए की बात करते हैं तब तो मेरा जवाब यही होगा कि आपकी शान शौकत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हरम पर दौलत लुटाने की आपको पूरी इजाजत है। काजी, अगर कोई सिपाही मुजाहरे में गैर हाजिर रहता है तो मैं उसकी 3 बरस की तनख्वाह वापस ले लेता हूं, शराब बेचने और पीने वाले को खाई में फेंकवा देता हूं, जिना करने वाले को नामर्द बनाया जाता है, बागियों का सर कलम करवा देता हूं, और चोर उचक्कों को खौफनाक सजाएं दिलवाता हूं। ये सब क्या इस्लामी कानून के खिलाफ है? सुल्तान, चाहे आप मेरे जिस्म के टुकड़े करा दें, लेकिन सच तो मुझे कहना ही होगा। रसूल पाक इस बात की इजाजत नहीं देते, इस बात की इजाजत नहीं देते सुल्तान, नहीं देते। मैंने कभी शरीयत नहीं पढ़ी है, मैं तो अनपढ़ हूं, कहने को मुसलमान हूं क्योंकि बाप दादा मुसलमान कहलाए, मगर इस तरह के हुक्म मैं सिर्फ उस बगावत को रोकने के लिए देता हूं जिसमें हजारों लोगों की जान कुर्बान हो जाती है। मुझे यकीन है कि सल्तनत और आवाम दोनों की इसी में भलाई है, मगर लोग जब मेरी हिदायतों को नजरअंदाज करते हैं, हुक्मदूली करते हैं, तो मुझे जबरदस्ती उनके साथ सख्ती बरतनी पड़ती है। मालूम नहीं कि यह इस्लामी कानून के दायरे में आता है या नहीं, मगर मैं सल्तनत और आवाम दोनों की भलाई को सामने रखकर ही ऐसे हुक्म देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मंशा समझ गए होंगे। अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी फौज खड़ी करने में कामयाब हुआ। इस फौज की मदद से उसने गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया। उसका सिपह सालार मलिक काफूर दक्षिण से बेशुमार दौलत बटोर कर लाया। कहते हैं कि 50,000 मन सोना, ढेरों मोती और जवाहरात, 20,000 घोड़े और 312 हाथी इस लूट में शामिल थे।
हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। चली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।